शिवलिंग बन करके हम बोरण कौशल दिखलाएंगे। जय राजपुताना। Yeah, that's fine. Atola, door band karo. गाड़ी पीछे की ला दी थी, तो आगे लग दी बढ़िया थी। जय सारा काम तो पूरा। अरे अतुल कहाँ? ओ अतुल वाली गाड़ी में पटाखे हैं। इसमें पड़े हैं ऐसी। लेकर किधर आए? लेकर आए जी, लेकर आए। मित्र दे भाई। लेकर कहाँ निकली? देखा? ओ अपना ठाकुर। हेलो। अबे राणा फ्रॉम ब्राडा। जय राजपुताना। जय राजपुताना। किसका फोन आया है वो? अच्छा अच्छा। तो भाइयों नॉर्थ हरियाणा जो कि राजपूत लैंड है, और उसके अलावा जितने भी राणा राजपूत हैं जहां के भी,
तो उनके द्वारा बहुत ही भव्य रैली जो यूएसए में निकाली गई है वो एक इतिहास है कि वहां जाकर भी संगठित रह रहे हैं। पहाड़ी राज्य कबीले के ज़्यादा है लेकिन यूएसए और बाकी देशों में नॉर्थ हरियाणा से बड़ी वादी में राजपूत लैंड से जो फॉरन में गए हुए हैं तो उन्होंने वहाँ भी जलवा दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि क्षत्रिय राजा भरत ने इस देश को बसाया। भारत का नाम हमारे पुरखों पर है तुम्हारे नहीं, क्षत्रिय राजा भरत का ये देश है भारत और हरियाणा का हर शहर राजपूतों ने बसाया है 1947 से पहले जो लोग बातें करते हैं और क्या पूरे देश पर ही रूल किया। वैसे तो हरियाणा का जो अंबाला है उसको राणा अंबा सिंह टोनी ने बसाया, टोनी बाटी राजपूत थे। उसके बाद आप देखिए कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कुरु वंशियों का, इसी राजा भरत के वंश आज भी तवर राजपूत पांडव वंशी है उनमें से निकले, वो आज भी वहाँ पर रहता है कुरुक्षेत्र में। भिवानी को नीम सिंह तंवर ने बसाया अपनी बीवी के नाम पर, भिवानी हमारा। रोहतक और रोहतास पवार ने बसाया, बेशक आज वहाँ पर पवार राजपूत नहीं है रांगड़ बन गए थे जो 1947 में दूसरे देश चले गए। और राजा हर राय के नाम से ही ये हरियाणा है और इससे बड़ी क्या बात होगी कि हर राय चौहान राजपूत थे और राणाओं का ही हरियाणा है इसीलिए हरियाणा में राजपूतों को राणा जी बोला जाता है। बाकी का छोड़ो लेकिन साउथ हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ पलवल के अलावा जो नॉर्थ हरियाणा है अंबाला पंचकुला कुरुक्षेत्र यमुनानगर इसके अलावा कैथल करनाल जहाँ कोई राजपूत राणा के आगे बोल के भी दिखा बड़ी बड़ी तोपों को इलाज कर देते हैं।